हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आधार केमिस्ट्री क्लासेस। मैं हूँ रामेश्वर वर्मा। आज का हमारा टॉपिक है कोल सैंपलिंग। कोल सैंपलिंग में हम क्या देखने वाले हैं, तो आज हम कन्वेयर बेल्ट में सैंपलिंग देखने वाले हैं। इससे पहले हमने रेक का देख लिए हैं, रोड सील का देख लिए हैं, आज हम क्या देखने वाले हैं, तो आज हम देखने वाले हैं कन्वेयर बेल्ट का सैंपलिंग। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि सबसे जितने सैंपलिंग होता है उसमें ये क्या है, सबसे सेफ है और सुरक्षित है। जैसे हम रेक में देखें उसमें कुछ ना कुछ खतरा है, हाई टेंशन का खतरा रहता है, रोड सील थोड़ा ऊंचाई से उठाना है, बट कन्वेयर बेल्ट एक बहुत ही ईजी प्रोसेस है जिसमें लोग इसको नहीं जानते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसमें क्या होता है, देखे नहीं रहते हैं तो इसको थोड़ा सा कठिन मानते हैं, जबकि सबसे ईजी सैंपलिंग का बात किया जाए तो कन्वेयर बेल्ट का ही होता है। ठीक है, तो ये टॉपिक बहुत ही अच्छा होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। राइट, अगर आप कहीं इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, कहीं आप जॉब कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। राइट, तो आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेल्ट होता क्या है। ठीक है, बेल्ट एक नॉर्मल वर्ड है, देखा जाए किसी से क्या होता है, एक इस प्रकार से क्या रहता है, एक बेल्ट रहता है, इसके नीचे में क्या रहता है, एक चक्का जैसा रहता है। ठीक है, ये एक्चुअल में बेल्ट नहीं चलता है, ये चक्का चलता है जिसके वजह से उसके ऊपर में रहता है तो वो बेल्ट उसमें चलने लगता है। राइट, अब ये बेल्ट क्या होता है, एक कपड़े नुमा रहता है, एक क्या रहता है, चमड़े का रहता है, उसी के ऊपर से क्या होता है, कोयला जाता है। ठीक है, अब ये क्या होता है, कन्वेयर बेल्ट की जरूरत क्यों पड़ा, क्योंकि क्या होता है, कहीं कहीं देखा जाए तो पावर प्लांट में इतना ज्यादा कोयले की जरूरत पड़ता है, तो डायरेक्ट क्या करता है, अगर माइंस कोल माइंस उससे हल्का सा पास में है, जैसे 15 किलोमीटर 10 किलोमीटर, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, डायरेक्ट वहां से क्या करते हैं, अपने प्लांट तक के क्या करते हैं, कन्वेयर बेल्ट लगा सकते हैं। अभी तक देखा जाए तो सबसे लंबा कन्वेयर बेल्ट आपको कुसमुंडा में मिल जाएगा। वह बेल्ट देखा जाए तो छत्तीसगढ़ का एक कोरबा साइडिंग जिसमें कुसमुंडा, कुसमुंडा में क्या है, डायरेक्ट कोल माइन से लेकर पूरा पावर प्लांट तक के क्या हुआ है, कन्वेयर बेल्ट गया हुआ है। राइट, तो ये होता है क्या, कन्वेयर बेल्ट। कन्वेयर बेल्ट के थ्रू एक जगह से क्या होता है, कोल डलता है और दूसरी जगह जाके डायरेक्ट क्या हो जाता है, अनलोड हो जाता है। उसमें क्या क्या फायदा है, उसमें डस्ट नहीं ज्यादा उड़ता है, और दूसरा क्या होता है, वो सिटी के अंदर से भी जा सकता है। ठीक है, आप ट्रक या रेलवे को सिटी के अंदर से पार नहीं करा सकते। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होता है, बहुत सारे खतरा रहता है, इसीलिए क्या है, ये कन्वेयर बेल्ट बहुत सुरक्षित, ठीक है, सुरक्षित माध्यम से क्या होता है, पावर प्लांट अपने डेस्टिनेशन तक के चला जाता है। कहीं कहीं पे क्या होता है, केवल छोटा सा 1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर या 500 मीटर तक के ही कन्वेयर बेल्ट रखते हैं, तो उसको भी हमको क्या करना है, सैंपलिंग करना है। राइट, कन्वेयर बेल्ट क्या होता है, एक चमड़े का बना रहता है जिसमें दो रोलर रहता है। ठीक है, रोलर, दो रोलर के बीच में क्या रहते हैं, घूमते रहता है अलग अलग। मैं केवल दो रोलर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमको सैंपलिंग पॉइंट केवल दो रोलर के बीच में ही लेना है। ऐसे बहुत सारे रोलर रहते हैं, तो एक्चुअल में रोलर ही चलते रहता है जिसके ऊपर में क्या रहता है, कन्वेयर बेल्ट बिछा रहता है, तो धीरे 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 क्या होता है, चलते रहता है, उसी से कोयला क्या आता है, आते जाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ से कोयला हो, खाली हो रहा है, जा रहा है, इसमें यहाँ जाएगा, अब ये इसमें जाएगा, फिर से कन्वेयर बेल्ट बिछा होगा तो यहाँ जाएगा, तो मतलब ये श्रृंखला चलते रहता है। ठीक है, एक श्रृंखला के ऊपर चलते रहता है जिसमें क्या होता है, कन्वेयर बेल्ट होता है। ज्यादा समझ नहीं आ रहा है तो अब क्या होता है, जैसे कि आप देखे होंगे गांव में एक आटा चक्की होता है, आटा चक्की में एक पट्टी जैसा लगा रहता है, वही सेम कन्वेयर बेल्ट आप उसको मान लीजिए। बस उसका साइज क्या रहता है, उसका जो चौड़ाई है बहुत ज्यादा रहता है, लेकिन आपको समझने के लिए वो काफी है। गाँव में आटा चक्की होता है, कहीं ना कहीं आप अभी देख रहे होंगे तो आपको पता चल जाएगा। राइट, उसी को हम क्या बोलते हैं, कन्वेयर बेल्ट बोलते हैं। ठीक, ट्रांसपोर्टिंग का एक ये भी अच्छा माध्यम है, ट्रांसपोर्टिंग का सुरक्षित माध्यम है, इसमें डस्ट नहीं होता है, ये बहुत ही सुरक्षित है। ठीक, तो अब इसमें करते क्या क्या हैं, तो इसके लिए रूल बताता हूं। रूल रूल हमारा क्या रहेगा, एफएसए रहेगा। रूल का बात करते हैं तो एफएसए ही है। एफएसए में केवल 4 पॉइंट दिया हुआ है इसके लिए, सैंपलिंग के लिए, कन्वेयर बेल्ट सैंपलिंग के लिए एफएसए में केवल 4 पॉइंट दिया हुआ है। राइट, ठीक है, अगर इसको रीमोडिफाई अभी तक तो किया गया नहीं है, अगर आगे जरूरत पड़ेगा तो एमयू बना के इसको रीमोडिफाई करेंगे। राइट, लेकिन अभी केवल 4 पॉइंट दिया हुआ है सैम्पलिंग के पर्पज से। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद क्या देख रहे हैं, ये इसका टाइमिंग क्या रहता है। ठीक है, तो इसका टाइमिंग जैसे रोड सेल का हम 6 से 6 बताए थे, लेकिन इसका टाइम तो 0 to 0 आवर कहलाता है, 0 to 0 आवर। ठीक है, ये क्या होता है, रात 12 बजे से
चालू होके फिर रात 12 बजे तक पूरा चलते रहता है, कंटिन्यू कंटिन्यू। उसी को हमको क्या मानना है, एक सैंपल मानना है, और हर 45 मिनट में हमको एक सैंपल लेना है, जिसको सैंपल बोल सकते हो या इंक्रीमेंट बोल सकते हो, राइट। इसको आपको याद रखना है। इसमें आपको क्राइटेरिया सैंपलिंग का नहीं दिया हुआ है, जैसे कि आपको इसमें किसी तरह से इसको सफाई नहीं करना है। दो रोलर है, मान लो एक रोलर ये हो जाएगा, ठीक है, इसके ऊपर से क्या गया है, ये गया हुआ है, दूसरा रोलर ये है, ये चक्का घूम रहा है, मान लो ये चक्का है, ये भी चक्का है। अब ये दोनों के बीच में जितना भी कोयला आएगा, इसको हमको क्या करना है, एकदम क्लीन साफ उठाना है, ठीक है, उसमें कुछ भी नहीं बचना चाहिए, इसको सफाई करने की जरूरत नहीं है। दो रोलर हमारे पास यहाँ पे एक सैंपलिंग पॉइंट बना रहेगा, ऐसा नहीं है कि कहीं से भी उठा लें, ये हमारे पास एक सैंपलिंग पॉइंट बना रहेगा। इसी सैंपलिंग पॉइंट से हम क्या करते हैं, जाके ये दो रोलर रोकेगा, दो रोलर के बीच में हमको सैंपल उठाना है। अच्छा, इसका साइज, वही साइज तो हमेशा उसका रहेगा साइज, अगर स्टोन है, सेल है, उसको हमको बड़ा साइज है तो उसको हटाना है। कोल का साइज जितना भी रहे, आपके अगर स्कूप से या बेलचा से उठ रहा है, उसको उठाना है, हाथ से सैंपल को छूना नहीं है। याद रखिए, सैंपल को हाथ नहीं लगाना है, केवल बेलचा या जो स्कूप बोलते हैं उसी से हमको उठाना है। अगर उठा तो ठीक, नहीं उठा तो कोई दिक्कत नहीं, उसको छोड़ देना है, राइट। अगर ये ओवर साइज की बात है, नहीं तो क्या होता है, मिनिमम 100 mm और 150 mm, 250 mm का ही कोल ये क्या करता है, सप्लाई करता है, राइट। ये हो गया। कभी कभी क्या होता है, ये दो रोलर के बीच में कोयला फंसता ही नहीं है, ठीक है, कभी कभी एम्प्टी चला जाता है, उस कंडीशन में आपको क्या करना है, एम्प्टी करना है। अब क्राइटेरिया हमारे पास तो कुछ तो होगा, तो हमको 24 आवर में, 0 to 0 आवर में मिनिमम 150 kg सिंपल होना चाहिए, ये क्राइटेरिया पार हो जाता है, ठीक है। हर 45 मिनट में आप लीजिएगा सिंपल, तो आपके पास 150 kg बहुत इजी से हो जाएगा, मिनिमम, ये मिनिमम क्राइटेरिया FSA में दिया हुआ है। आपको 150 kg सिंपल तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है, पूरा 24 आवर में, तो ये बहुत ज़्यादा नहीं है अमाउंट। अब एक होता है ऑटो सैंपलिंग, ठीक है, ऑटो सैंपलिंग आपको कोरबा में ही एक कुसमुंडा साइडिंग है, वहीं आपको देखने को मिल जाएगा, कभी कभी ब्रेक डाउन हो जाता है, कभी कभी चलता है। तो वहाँ ऑटो सैंपलिंग में क्या होता है, हर 45 मिनट में जाके एक बटन दबा देते हैं, तो पूरा क्या होता है, वो सैंपल कलेक्ट करके पूरा एक बैग में दे देते हैं, ठीक है। उसका साइज क्या रहता है, 3.35, डायरेक्ट आपको याद रखना है, ऑटो मशीन में -3.35 mm का हमको सैंपल मिल जाता है, ठीक है। ये किसमें होता है, तो ऑटो सैंपलिंग में ही पॉसिबल है। ऑटो सैंपलिंग एक बटन दबाना है, खाली बटन दबाने के बाद क्या होता है, ये अपने उसमें पूरा प्रोसीजर लगा होता है, पूरा मशीन लगा होता है, वो सैंपल क्या करता है, जैसे 100 mm में लेता है या 250 mm में लेता है, वो लेता है, लेने के बाद क्रश करता है, क्रश करने के बाद कोनिंग क्वाड्रेंट भी हो जाता है, क्रश करता है, क्रश करने के बाद क्या करता है, पूरा सैंपल को दे देता है। तो नीचे क्या रहता है, एक जैसे एक बंकर जैसा बना है, बंकर जैसा पूरा पाइप रहेगा ऐसा, इस प्रकार से। तो इसके मुंह में क्या लगाना है, जो दिख रहा है सीरा में, हमको कैरी बैग लगाना है। कैरी बैग को क्या करना है, रस्सी से बांधना है, फिर पूरा जितना सिंपल रहेगा उस बोरी में गिर जाएगा, फिर उसको क्या करना है, हम फिर से नया बोरी लगा कर रख देते हैं नेक्स्ट सैंपल के लिए, फिर उस बोरी को क्या करते हैं, सील करते हैं, सील लगाने के बाद क्या करते हैं, एक सुरक्षित जगह में रख देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ, पूरा ये प्रोसीजर किसका हुआ, ऑटो सैंपलिंग का। अच्छा, कभी कभी ये ब्रेक डाउन है, उस कंडीशन में क्या करना है, मान लो हम कितना इंक्रीमेंट ले लिया है, इंक्रीमेंट क्या सैंपल, मान लो मैं मेरे कितना होता है, दिन में 23 हो जाएगा, 0 to 0 आवर में 23 पॉसिबल है, राइट, या 22, 23 या 22, 22 एक राउंड फिगर वैल्यू है, ले लेता हूँ 22। अब जैसे मान लो 11 क्या हुआ हमारा, 11 तो ऑटो सैंपलिंग में हुआ, 11 मैनुअल हुआ। अगर जिस कंडीशन में ऑटो सैंपलिंग काम नहीं कर रहा है, तो आपको मैनुअल सैंपल लेना है, राइट, दोनों आपको पॉसिबल है। तो 11 मान लो हमारे पास क्या हुआ, ऑटो सैंपलिंग में हो गया, जिसका साइज क्या है, 3.35 है, और 11 हमारे पास क्या हुआ है, मैनुअल हुआ है। मैनुअल में हम देखते हैं तो क्या है उसका, मान लो 100 mm है, तो प्रिपरेशन करेंगे उस कंडीशन में क्या करेंगे, तो ये सैंपल तो हमारा एक ही है, लेकिन साइज क्या है, अलग अलग है। उस कंडीशन में जो 11 बिग है, मैनुअल हुआ है, उसको हम पहले कोनिंग क्वाड्रेंट करेंगे, उसको फिर हम इस साइज में लाएंगे 3.35। अब हमारे पास क्या करेंगे, इसको देखो ये कितना है, मान लो 100 mm में है, तो इसको हम क्या करते हैं, -50 mm करते हैं, फिर इसको 12.5 करते हैं, फिर इसको क्या करते हैं, 3.35। इतना प्रोसीजर से हमको क्या करना है, निकालना है। निकालने के बाद अब दोनों सिंपल, हमारे पास जितना 22 बेग है, वो हमारे क्या हो जाएगा, वो हो गया हमारा 3.35 mm, ठीक
ठीक है। उसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ से कोनिंग एंड क्वार्टरिंग करना है, राइट। ये 22 बैग अब इक्वल साइज में आ गया, इक्वल साइज में लाने के बाद ही हमको क्या करना है, कोनिंग क्वार्टरिंग करना है, राइट। ये क्या होता है, मशीनरी चीज है तो ब्रेक डाउन होते रहता है, उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या क्या बता दिया, कन्वेयर बेल्ट की कंडीशन में कन्वेयर बेल्ट क्या होता है, एक पर्टिकुलर जगह रहता है, जैसे सैंपलिंग पॉइंट बना रहता है, और दो रोलर के बीच में जैसे रोल ऐसे बेल्ट गुजर रहा है, ये दो रोलर है, दो रोलर के बीच में जितना भी सैंपल आ जाए उस सैंपल को हमको क्या करना है, लेना है। मिनिमम 24 घंटे में हमारे पास 150 kg सैंपल होना चाहिए, ठीक है। इतना क्राइटेरिया पार हो जाता है, और 0 to 0 आवर ये चलता रहता है, मतलब कंटिन्यू चलती रहता है, लेकिन हमको एक सैंपल जो 24 घंटे में मान लो 22 कलेक्शन हुआ, ठीक है, 22 कलेक्शन को हमको एक साथ सैंपल बनाना होता है, राइट। इसका भी ग्रेट डिफरेंस, एक ही साथ चल रहा है, एक सोर्स का सीधा, एक सोर्स का क्या होता है, कोल डालते जाता है, उसमें एक ही ग्रेड का कोयला जाते जाता है, इसमें अलग अलग ग्रेड का नहीं होता है, राइट। 24 घंटे पूरा उसमें क्या होता है, एक ही ग्रेड का कोल जाता है, और जो 22 बैग होता है उसको हमको क्या करना होता है, एक ही सैंपल बनाना होता है, राइट। तो ये हमारा पूरा प्रोसीजर किसका हो जाएगा, कन्वेयर बेल्ट का हो जाएगा। इसमें और बताने का कुछ नहीं है, ठीक है। कन्वेयर बेल्ट बहुत इजी है, बहुत सेफ सेफ है, अगर अदर सोर्स के बात करते हैं तो, ठीक है। तो इतना मेहनत से वीडियो बना रहे हैं, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ताकि हम आपको कुछ और जानकारी दे सकें, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, कुछ ज़्यादा सोचे रहते हैं लेकिन एट द टाइम क्या होता है, माइंड में आता नहीं है, तो कुछ पॉइंट स्किप हो जाता है, राइट। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए।